हम लोगों ने मौत को अपने नजदीक से देखा है। भयानक आवाज आई तो हम लोग सब सोचे सब मर गए इसमें। आप पीछे के दो डब्बे पूरे खत्म हो गए, पीछे के दो पूरे डब्बे खत्म हो गए। ये निश्चित रूप से 100 से ऊपर हो चुका है भाई। तो मेरी वाइफ थी, मेरी माँ थी, मेरी बड़ी भाभी थी, मेरी भतीजी थी, मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की अभी। भाई का एक मम्मी थी। कौन मिला? कोई मिला? पापा मिल गए हैं। बड़ी हो मम्मी को कौन मिला? मम्मी और भाई नहीं मिला। उन तमाम लोगों की सूची लगी है और जो एंसेस रिलेटिव है जो आप लोग को ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं। ये सूची लगी हुई है और यहाँ पर लोग या तो घायलों की सूची में या मृतकों की सूची में अपनों को ढूंढ रहे हैं। एक जर्क महसूस किया लोको पायलट ने, जहाँ रेल फ्रैक्चर हुआ जर्क वही आया होगा। में मोदी सरकार नाकाम हुई है। आज का खबरदार सदी के सबसे बड़े रेल हादसे में मारे गए 100 से भी ज्यादा लोगों को समर्पित है, जिन्हें लापरवाह सिस्टम के पाप की सजा भुगतनी पड़ गई। शनिवार की रात इंदौर पटना एक्सप्रेस के 100 से ज्यादा यात्रियों के लिए जिंदगी का सफर हमेशा हमेशा के लिए थम गया। कानपुर से 100 किलोमीटर दूर पुखराया गांव से 14 पटरी डब्बे से उतर गए और डिब्बों में चैन की नींद सोते 100 से ज्यादा यात्री हमेशा हमेशा के लिए सो गए। 150 से ज्यादा घायल हो गए। सुबह हुई तो ट्रेन के डिब्बों की हालत बता रही थी कि हादसा कितना भीषण था। दो डिब्बे तो पिचक कर लोहे की चादर बन चुके थे, उसमें बैठे यात्रियों की लाशें तक निकालने के लिए लोहे की चादर को काटना पड़ा। हर तरफ बिखरी हुई लाशें थी, घायलों की चीखें थी और अपनों को तलाशते लोगों की बदहवासी थी। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। विकास की पटरी पर दौड़ते इंडिया में पटरी से उतरती ट्रेन ने भारतीय रेलवे की दरारें और पोल खोल कर रख दी हैं और बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे लोगों की नींद तोड़ती है। आज तक की आंखों से रेल हादसे की तस्वीरें देखकर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे और लापरवाह सिस्टम के खिलाफ आपकी आंखों में खून तैर जाएगा। जगह पुखराया गांव कानपुर देहात, वक्त रात के 3 बजे। एक भोपाल से ये गाड़ी खुली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा हम लोगों को, कुछ प्रॉब्लम आई है ट्रेन के अंदर, तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो जब यहाँ पे 3 बजे करीब में हम लोग आए यहाँ पे, तो एकदम से ट्रेन से है ना पटरी पे ट्रेन उतर गई। रविवार की सुबह रेलवे के इतिहास की काली रात की गवाही दे रही थी। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। कुछ डिब्बे तो पटरी से 25 मीटर दूर खेत में पड़े थे, कई डिब्बे मलबे में तब्दील हो गए थे। S3 और S2 डिब्बे तो पिचक कर चिपक गए थे। सोचिए इन डिब्बों में बैठे लोगों की हालत क्या हुई होगी। हादसे के बाद लोग चीख रहे होंगे, कुछ लोग तो चीख भी नहीं पाए। 3:05 के आसपास एकदम शोर हुआ, समझ आई नहीं हुआ क्या है। हाँ। तो बस अफरा तफरी मची, एकदम बाहर निकले हैं। पीछे की दो डिब्बे ये पीछे के दो डिब्बे पूरे खत्म हो गए। कुल मिला के ये 23 कोच की ट्रेन थी, इसमें कम से कम 2500 से 3000 यात्री आराम से यात्रा कर सकते थे।
लेकिन ये जो सुबह वाकया हुआ है 3:10 के आसपास कानपुर से पहले, जिसमें 14 कोच हमारे डेरेल हुए हैं और उसमें कैजुअल्टी भी हुई है और इंजरी भी हुई है। मिट्टी में मिल चुके ट्रेन के डिब्बे बता रहे हैं कि हादसा कितना बड़ा था। घटना स्थल पर जगह जगह लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी, महिलाएं चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे, लोग अपनों की तलाश में बदहवास घूम रहे थे। भाई था, मेरी वाइफ थी, मेरी माँ थी, मेरी बड़ी भाभी थी, मेरी भतीजी थी, मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की अभी। जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ से पुखराया गांव 1 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले गांव वाले ही घटना वाली जगह पहुँचे, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि राहत और बचाव का काम गांव वालों के बस की बात नहीं थी। जल्द ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, क्रेनें बुलवाई गईं, एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। एक के बाद एक एम्बुलेंस घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंच रही थी। ट्रेन को आमतौर पर सबसे सुरक्षित सवारी माना जाता है, लोग जब ट्रेन में बैठते हैं तो निश्चिंत होकर बैठते हैं, और इंदौर से पटना की ओर जाने वाली ये ट्रेन जब चली थी तो मुसाफिरों ने यही सोचा होगा कि वो चैन की नींद सोएंगे और अगले दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे थे जो तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घरों में शादियां थी, कुछ ऐसे भी लोग सवार थे जिनके घर में शादियां थी, जो अपनी शादी का सामान लेकर जा रहे थे। हमने देखा उनका सामान बिखरा हुआ था, डिब्बे का ये के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो डिब्बा भी पटरी से उल्टा हुआ है। डिब्बा आप देख सकते हैं कि डिब्बा तिरछा पड़ा हुआ है रेल की पटरी के ऊपर, इसको भी क्रेन लगाकर अभी से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आगे के जो डिब्बे थे वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ डिब्बे तो सही सलामत बच गए, उनमें लोग मामूली चोट के साथ जख्मी होकर रह गए, लेकिन बहुत से डिब्बे खासतौर पे S1, S2 और S3 के ये डिब्बे ऐसे थे जिसमें जो भी सवार था उसकी बुरी हालत हो गई। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है तमाशबीनों की भीड़ लगी हुई है, और यहाँ बाहर इन डिब्बों में जो लोग सवार थे, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा इस तरफ दिखाएं कि अब इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आखिर ये ट्रेन एक्सीडेंट किस तरह से हुआ और यहाँ क्या हालत है। अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, घायलों का आना शुरू हुआ, अपनों को ढूंढते लोगों का आना शुरू हुआ, लाशों का अंबार लगने लगा। इंदौर पटना ट्रेन हादसे के बाद जो सबसे ज्यादा घायल और मृतक लाए गए वो इस अकबरपुर अस्पताल में लाए गए, सरकारी अस्पताल में। मेरी दाईं तरफ यहाँ पर उन तमाम लोगों की सूची टंगी है, और जो एंग्जस रिलेटिव है जो अपनों को ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं। ये सूची लगी हुई है और यहाँ पर लोग या तो घायलों की सूची में या मृतकों की सूची में अपनों को ढूंढ रहे हैं। अस्पताल के कमरों के फर्श पर पड़ी लाशों में लोग अपनों को तलाश रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी, दर्द, मौत का सन्नाटा और चीख पुकार। हमारे साथ 6 लोग थे, मैं, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरे भैया की लड़का लड़की और मौसा जी थे मेरे, और मौसा जी का रिलेशन का एक आदमी था, सब मिला के 6 थे। उसमें से मैं बचा, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी का रिलेशन का वो, और बाकी सबका डेथ हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनों की तलाश अस्पताल में करें या घटना स्थल पर। ट्रेन के डिब्बों की हालत देखकर अपने रिश्तेदारों को ढूंढते लोगों का दिल डूब रहा था। क्या हुआ? लड़का है सर हमारा, हमारा लड़का है सर, ये सागर से आया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु शाम होते होते घटना स्थल पर पहुंचे, अस्पताल भी गए, घायलों से मिले, मृतकों के परिजनों से भी मिले, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई इस पर कुछ नहीं बोले, बस जांच कमेटी बनाने की घोषणा करी। तो बहुत बड़ा हादसा, क्या कर रहे लो जा रही इसके बारे में जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिया। जो जांच चल रही है उसके बाद में जो भी की जाएगी वो करने की आवश्यकता। अब जांच होगी कि इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हो गया। अभी तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हादसा पटरी में दरार आने की वजह से हुआ, लेकिन पटरी में दरार कैसे आई, रेलवे की लापरवाही से या किसी की साजिश से? रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के पास अभी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है।
एक जर्क महसूस किया लोको पायलट ने, जहां रेल फ्रैक्चर हुआ है जर्क वहीं आया होगा। ये जांच का विषय है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए, कठोरतम कार्रवाई की गई। किसी तरह कोई सैबोटाज की आपको आशंका लग रही है? मुझे लगता है कि आशंका पर जाने की जरूरत नहीं, एक बार जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। अब घटना की जांच होगी, जांच पूरी कब होगी ये नहीं पता। हर बार तो यही होता है, हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, नेता दुख जताते हैं, जांच कमेटी बनती है और फिर इंतजार होता है अगले रेल हादसे का। आखिर वो कौन सा दिन होगा जब रेल यात्रियों को सुरक्षित सफर की गारंटी मिलेगी? कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, कानपुर आज तक। भारतीय रेलवे की तारीख में एक और काली रात जुड़ गई, जिसकी सुबह चीख पुकार और लाशों के ढेर के साथ हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। शुक्रिया अदा कीजिए राहत और बचाव कर्मियों का, जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए रात दिन एक कर दिया। पटना एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ते दौड़ते 100 से ज्यादा लोगों के लिए कब्रिस्तान बन गई। डिब्बे इतनी बुरी तरह आपस में भिड़े कि क्रेनों की पूरी फौज घटना स्थल पर उतारनी पड़ी। राहत कर्मी बिना रुके बिना थके अपना फर्ज निभा रहे थे। एक महिला व्हाट्सएप पे बराबर मैसेज से संपर्क पे रही है, उसको भी हम लोगों ने बाहर निकाला, सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। काफी ज्यादा मात्रा में कैजुअल्टी हुई है इस एरिया में, इसलिए हमारे रेस्क्यूअर ने जो भी उनके पास इक्विपमेंट थे सभी का उपयोग कर लिया और उसके बाद हमने बचाया, ट्रेन को काटा कई जगह से और लोगों को निकाला रेस्क्यू करने के बाद। क्या PAC, क्या RPF, क्या NDRF और क्या आर्मी, मलबे में बदल चुके ट्रेन के डिब्बों से लोगों को निकालने के लिए राहत कर्मियों की पूरी फौज लगी रही। फौज के इलाके हैं, वहाँ से अपने जवान जो हैं वो यहाँ पे मूव किए, तो यहाँ तकरीबन हम 8 टीमें लेके आए हैं जो कि लगातार आने के बाद में काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी राहत बचाव में लगे रहे, अपनों को तलाशते लोग आस लगाए थे कि शायद उनके अपने जिंदा बच जाएंगे। कईयों की उम्मीद टूटी, कई लोगों की उम्मीद जीत गई। S1 बॉगी जिसकी की हालत बहुत खराब है, S1 बॉगी से ये लड़के लड़की अभी निकली है, लेकिन इनके पर इनके भाई थे, इनके पिताजी थे साथ में, इनके भाई तो मिल गए हैं लेकिन इनको पिताजी के अभी भी तलाश है। और S1 बॉगी से बहुत से लोगों को जिनको अभी निकाला गया है उनको अब लगातार एम्बुलेंस यहाँ से लेकर के जा रही है। हम सब मिल गए हैं, बस मेरे पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ पे हैं। क्रेनों और गैस कटर के जरिए पिचक चुके डिब्बों के अंदर जिंदा फंसे लोगों को निकालने का सिलसिला चलता रहा। लाशें निकलती रही, जो भाग्यशाली थे उन्हें बचाकर बाहर निकला। जिस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, NDRF और स्थानीय पुलिस के जवानों ने अपना योगदान दिया वो काबिले गौर। इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और 5 लोगों को इसमें से निकाला है। चाल साहब पहले बहुत बधाई आपको, गर्व है आपसे, आप जैसे लोगों पर आपने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाया, लेकिन ये बताइए कि आप कैसे जब भीतर गए आपने तो क्या देखा वहाँ पे, किस तरह की? जब मैं भीतर गया तो वहाँ पे कई लोग दबे हुए थे जो जिंदा थे और कई लोग डेड बॉडी तो आसपास पड़ी हुई थी, जहाँ पैर रख रहे थे वहाँ भी लोग मरे हुए थे, लेकिन जिंदा बचाने के लिए जो लोग जिंदा थे उनको बचाने के लिए हमें अंदर घुसना पड़ा। जबकि घुसते हुए खुद अपने आप में इतना मतलब दुख हो रहा था कि पैर रख रख के अंदर जाना पड़ा था, लेकिन जो ज्यादा दबे हुए थे जो जिंदा लोग थे उन्हें निकालने के लिए हमने खींच खींच के उन लोगों को निकाला। एक संजीत लड़का था जो उसके पेट में एक इंगल घुसी हुई थी, खाली उसको नीचे ही निकाला जा सकता था, काट के उसको जो नीचे से कटर से कटवाया, उसको काट के नीचे निकाला। एक बुढ़िया फंसी हुई थी, उनका पैर पूरी तरह से कटा हुआ था, उनको पता नहीं होने दिया कि उनका पैर कटा हुआ, पैर पे पट्टी बांधी, उनको 2 पेन किलर इंजेक्शन लगाए हमने और इंजेक्शन लगा के उन्हें बाहर निकाला। जैसे जैसे दिन बीत रहा था अपनों को तलाशते लोगों का सब्र का बांध भी टूट रहा था, लेकिन हर तरफ अफरा तफरी के माहौल में भी बचाव कर्मियों का बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी हालत में घायलों की जान बचाना।
एक घायल को घटना के 12 घंटे बाद मलबा बन चुके डिब्बे से जिंदा निकाला गया। यहाँ पर लोकल लोगों ने हमें काफी योगदान दिया है। मैं आपको दिलासा दिलाना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर हम सभी प्रकार एफर्ट कर रहे हैं, और यह एफर्ट सिर्फ आरपीएफ की ही नहीं है, यह एफर्ट यहाँ पर एनडीआरएफ की भी है, स्थानीय प्रशासन की। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे बचाव राहत कर्मी हादसे में घायल लोगों के लिए फरिश्ते बने हुए थे। अपनों को ढूंढते लोगों को बस उन्हीं का सहारा था। कई घंटों की लोग मशक्कत है, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के लोग, आर्मी के लोग जो, और पुलिस के लोग जो लगे हैं, उन सबकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। बच्चे जो है, दो बच्चों को निकाला गया है इनमें से, इन बच्चों को एम्बुलेंस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एड पहले दिया जा रहा है। फर्स्ट एड के लिए आर्मी के लोग फर्स्ट एड का सामान लेकर आए हैं। राहत कार्य में स्थानीय लोगों का काम काबिले तारीफ था। लोग घायलों की मदद कर रहे थे, साथ ही अपने घरों से खाना बना कर ला रहे थे ताकि राहत कार्य में लगे जवानों को कोई परेशानी न हो। अंधेरा होते होते लगभग सभी घायलों और मृतकों को ट्रेन के डिब्बों से निकाला जा चुका था, लेकिन आर्मी अभी भी घटना स्थल पर मौजूद है। रेलवे ने शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने का ऐलान कर दिया। सदी की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बाद का मंजर भारत की विकास की पटरी पर रफ्तार से मेल नहीं खाता। किसी ट्रेन हादसे में 100 से ज्यादा लोग मर जाएं, बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे देश के लिए ये बेहद शर्म की बात है। बालकृष्ण और कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यौरा। भारतीय रेलवे आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउडस्पीकर में होती ये घोषणा हर मिनट गूंजती है, लेकिन न जाने वो दिन कब आएगा जब रेल यात्रियों को सुरक्षित और सुखद सफर की गारंटी मिलेगी। आज हुए रेल हादसे ने एक बार फिर से पूरे देश को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अभी तक उपलब्ध आंकड़े ये बताते हैं कि 2010 से 2014 के दौरान देश में कुल 674 बड़े रेल हादसे हुए, जिनमें 502 लोगों की मौत हुई, जबकि 1531 लोग घायल हुए। रेल हादसे में घायलों और मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने में रेलवे ने 5 सालों में 1818 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा। मुआवजे के इस रकम में सरकारों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की रकम शामिल नहीं है, क्योंकि सरकारें तो अपने फायदे, नुकसान और माहौल देखकर मुआवजे की रकम तय करती हैं। आज जो रेल हादसा हुआ उसमें भी हालात बदले नहीं हैं। अलग अलग राजनेता अपनी अपनी पार्टी की लाइन के अनुसार बयान दे रहे हैं, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। क्यों लेगा? जहां रेल फ्रैक्चर हुआ है, जर्क वहीं आया होगा, ये जांच का विषय है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा शक जता रहे हैं कि इतना बड़ा रेल हादसा रेल फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, लेकिन ये रेल फ्रैक्चर होता क्या है? एक्चुअली रेल फ्रैक्चर में ये होता है कि हमारे लॉन्ग वेल्डेड रेल होते हैं, और उसमें कहीं छोटी सी दरार आ जाती है, और उस दरार के चलते पटरी के बीच में गैप होती है हल्की सी, और धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, और जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। अब सवाल यह है कि जिस रेल फ्रैक्चर को इतने बड़े हादसे की वजह बताया जा रहा है, वो रेल फ्रैक्चर हो कैसे गया? जो हमारे लोग बता रहे हैं वहाँ से, कि ये कारण की संभावनाएं होती हैं, जैसे कि ये किस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, और उसके पीछे जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस से बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो कंप्लीट इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन के बाद जो पता लगेगा, वो सच्चाई पता चलेगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है, कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब रेल हादसे की जांच होगी। वैसे हादसा रेल फ्रैक्चर की वजह से हुआ या रेलवे की सोच के फ्रैक्चर की वजह से, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने रेलवे के अधिकारियों से बात की, तो रेलवे सिस्टम का फ्रैक्चर खुलकर सामने आ गया। जो भी ऐसे मौसम आते हैं, तो हर आदमी को पता है उसकी प्रॉपर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लेकिन पेट्रोलिंग करेगा कौन? जिस जोन में 2000 ट्रैकमैन की जगह खाली हों NCR के ऊपर, और झांसी डिवीजन में मैक्सिमम जगह खाली होंगी, तो ना पेट्रोलमैन होगा, कीमैन की आधी जगह खाली होंगी, आगे मेट की जगह खाली होंगी, तो जब आदमी नहीं होगा तो पेट्रोलिंग करेगा कौन? जब कोई रेल हादसा होता है तो रेलवे के साथ साथ राजनीति के फ्रैक्चर भी सामने आ जाते हैं। नेता घटनास्थल के दौरे करते हैं, अस्पतालों में घायलों और मृतकों के परिवारों से मिलते हैं। जो नेता ऐसा नहीं कर पाते, वो मीडिया के कैमरों के आगे दुख जताते हैं। प्राथमिकता ये है कि जो लोग घायल हैं उनको हम दुख प्रकट करने के बाद शुरू होता है जांच के आदेश देने की घोषणा का दौर। जांच कमेटी बन जाती है, लेकिन जांच रिपोर्ट कब आएगी, इसकी डेडलाइन घोषित नहीं होती। फिर मुआवजे का ऐलान किया जाता है।
जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे और इलाज और जो गंभीर घायल हैं उनके भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। इस बार भी रेल हादसे के बाद दुख जता दिया गया, जांच कमेटी बना दी गई है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इतना बड़ा रेल हादसा हो कैसे गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, शायद कोई नहीं। वैसे भी हमारे देश में सुरक्षित रेल सफर की कोई गारंटी नहीं है। बालकृष्ण बुखराया, कानपुर, आज तक। बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करने में लगे देश की नींद उड़ा देने वाला हादसा हो गया, 100 से ज्यादा लोग मर गए, ये संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या सरकारों को बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करने से पहले नागरिकों को सुरक्षित रेल सफर का सपना पूरा करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार और सिस्टम ट्रेनों में प्लेन जैसे सफर का ख्वाब जगा सकती है, क्या वो सुरक्षित रेल सफर की गारंटी नहीं दे सकती? ये सवाल पूरे देश को सरकार और सिस्टम से पूछना चाहिए और सिस्टम को अपने खरेबा में झांकना चाहिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन वाली खुमारी में खोए देश में ऐसे भीषण रेल हादसे चुल्लू भर पानी में डूब जाने वाली बात है। हम होते हैं इसी हादसे से जुड़ी और खबरों के साथ दूसरी खबरें लेकर। आज के रेल हादसे ने यह साबित कर दिया है कि रेलवे का सुरक्षा चक्र बेहद कमजोर है। हादसे रुक नहीं रहे, सरकारें आती हैं, नए रेल मंत्री आते हैं, लेकिन हादसे अपनी ही रफ्तार में होते रहते हैं। तो खबरदार में अब हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनसे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करने वाला रेलवे सुरक्षा इंतजामों पर अमल करने में कितना सुस्त है। रेलवे की सुरक्षा से संबंधित काकोदर अहम सिफारिशें की थी जो आज भी ठंडे बस्ते में धूल खा रही हैं। समिति ने कहा था कि अगर भारतीय रेलवे ने जल्द ही जरूरी इंतजाम नहीं किए तो रेलवे का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। काकोदर कमेटी ने रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की थी जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। कमेटी की वो सिफारिश भी टाए फिस हो रही है जिसमें 5 सालों के अंदर करीब 19,000 किलोमीटर रेल रूट पर एडवांस सिग्नल सिस्टम लगाने को कहा गया था जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। कमेटी ने 50,000 करोड़ के खर्च पर देश भर की रेलवे क्रॉसिंग को अपडेट करने की सिफारिश भी की थी। कमेटी की उस सिफारिश पर भी आधे अधूरे ढंग से अमल हुआ जिसमें 10,000 करोड़ की लागत से आधुनिक LHB डिब्बे लगाने को कहा गया था। देश को आज भी इन सिफारिशों पर अमल की तलाश है, इसलिए कानपुर के पुखराया गांव में भी सैकड़ों लोग उन अपनों का इंतजार करते आज दिन भर दिखाई दिए जो कि इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे के शिकार हो गए। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब लापरवाही की घुन लग जाए तो यही होता है। 14 डिब्बे रबर की गेंद की तरह पटरी से उछल जाते हैं। नींद की आगोश में डूबे 115 मुसाफिरों को मौत दबोच लेती है। हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। परिवार, नातेदार, रिश्तेदार बर्बादी की आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। हादसे का हिचकोला आया और इस शख्स की जिंदगी की बुनियाद हिल गई। अब दूर दूर तक दर्द का दरिया है। ये पिता फूल से प्यारी बेटी को ढूंढ रहा है जो यही किसी हिस्से में मौजूद है। जिंदा है या नहीं इस पिता को नहीं पता। बेटी के साथ साथ भाई, भाभी, भतीजी, किसी की कोई खबर नहीं। ऐसे हालात में खुद को रख कर सोचिए तो आप समझ पाएंगे कि शख्स पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। एक भाई था, मेरी वाइफ थी, मेरी माँ थी, मेरी बड़ी भाभी थी, मेरी भतीजी थी, मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की अभी, और वही नाम था बच्ची का, वाइफ का नाम प्रतिभा सोनी। एसटी में हम तो बाइक कार आ रहे थे इन लोगों को बैठा कर। रेलवे का सुरक्षा चक्र कितना कमजोर है इसका सबूत कानपुर में दिख गया। ये आंसू एक पिता के जिसने इस हादसे में अपनी पत्नी और प्यारी बिटिया को खो दिया। दूसरी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद भी ना के बराबर। इस हादसे में लोगों ने अपनों को किस तरीके से खोया है। माँ और बेटी इस दुनिया में नहीं है, दूसरी बेटी
मिसिंग है उसका कोई अता पता नहीं और पिता इस वक्त लाचार पोस्टमार्टम रूम के बाहर तलाश कर रहा है। एक तरफ बेटी और माँ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, दूसरी तरफ उनकी दूसरी बेटी इस वक्त नहीं मिल पा रही है। किस बोगी में आप सफर कर रहे थे और क्या हाल? B3 35-37 और 39 नंबर था मेरा। एक बेटी और माँ सो रही थी, दूसरी तरफ मैं था। कोलाइड हुआ, सब खत्म हुआ सर। दूसरी बेटी का अभी तो कुछ भी नहीं पता मुझे कि वो कहाँ है। आपको दूसरी बेटी के लिए कुछ उम्मीद कहीं से जगी है? किसी ने कुछ बताया? द वे बॉडी है, बोगी हैज कोलैप्स, आई डोंट थिंक सो। यहाँ आपको त्रासदी की ऐसी कई कहानियां सुनाई देंगी। कई ऐसे हैं जो जिंदगी बच जाने की खुशी मना पाते उससे पहले ही अपनों की मौत की खबर मिली। ये शख्स अपनी बेटी को मौत के उस हादसे से बचा तो ले आया, लेकिन परिवार के और लोग कहाँ हैं ये पता नहीं। ये बेटी वहीं पे थी, इस वन में थी, लेकिन पूरी दबी हुई थी। लोहे का सामान, लगेज वगैरह सब था, मतलब और क्या क्या चीजें थी, मतलब वो बताना बहुत मुश्किल है। ये शख्स अपने उस रिश्तेदार को ढूंढ रहा है जो अपनी 12 साल की बेटी के साथ सफर कर रहा था। ये मोबाइल पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा है इस उम्मीद में कि कोई उसका हाल बता दे। अपनों को ढूंढते हुए बदहवास लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनके साथ इनके परिजन थे जो कि जिन्हें ढूंढने पहुंचे हैं। S2 में वो सफर कर रहे थे। कौन है ये लोग? धर्मेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, जौनपुर के रहने वाले, इंदौर से जौनपुर आ रहे थे। इनकी फोटो कहाँ है? हाँ, फोटो है, ये इनकी फोटो है। इनकी 12 साल की बेटी भी थी साथ में जी। कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। हाईलाइट में गए, हाईलाइट में ढूंढ लिया, वहाँ भी नहीं पता चला। उखराया में हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी नहीं पता चला। मुख्य जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे गए, वहाँ भी कुछ नहीं पता चला। इस महिला को भी अपने जिंदा बच जाने पर कोई खुशी नहीं रही। झांसी से रवाना हुई थी तो साथ में माँ, पिता और भाई थे, अब अकेली है इस आशंका के साथ कि कभी भी अपनों की मौत की तस्दीक हो सकती है। ज्योति, आप किस बोगी में सफर कर रही थी और क्या स्थिति थी? कौन कौन लोग थे आपके परिवार के? मम्मी, पापा, भाई और मैं थी, और हम लोग यहाँ कानपुर आ रहे थे। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, मम्मी पापा भी मिले नहीं, उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जाए। भाई? भाई भी अभी नहीं मिला है। आप लोग परिजन हैं इनके? कितने लोग थे और किसी को ढूंढ पाए हैं आप लोग? नहीं, अभी कोई नहीं मिला है। अभी कोई नहीं मिला है, केवल ये ट्रेन के बाहर गिर गई थी ना, तो ये मिल गई, और तीन लोग अभी हैं, इनके मम्मी, पापा, भाई। कहाँ कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? अभी सारी जगह, जहाँ जहाँ भी खबर मिल रही वहाँ हर जगह ढूंढा हम लोगों ने, लेकिन कोई खबर नहीं। अस्पताल के बेड पर पड़ी मोनिका चतुर्वेदी खुशकिस्मत थी कि बच गए, लेकिन साथ में सफर कर रहे दादाजी और एक और रिश्तेदार का कोई अता पता नहीं। हम सब सो रहे थे और बिल्कुल अचानक ट्रेन में ऐसे आवाज होने लगी, एकदम घड़घड़ घड़घड़, और ट्रेन इम्बैलेंस होने लगी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ भी कर पाते, कि पूरा का पूरा ट्रेन ऐसे डब्बा पूरा हमारा पूरा का पूरा बोगी पलट गई और वो चपना चूर हो गई। हम सारे एकदम नीचे चले गए। पहले तो ऐसा फील हुआ जैसे कि हम कहीं खाई में गिर रहे हैं। आपका परिवार सेफ है? नहीं, हमारे दो मिसिंग है लोग, दो लोग मिसिंग है। कौन लोग हैं? मेरे दादाजी और मेरे काका, वो मिसिंग है। का कुछ अता पता? अभी तक कुछ नहीं चल पाया। इस आपाधापी में ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। मैं सुबोध सिंह और उनके परिवार को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचा हूँ, और ये दिखाएंगे जरा, ये किसकी फोटो है? ये श्रुति सिंह की है, इसमें फोटो, शी इज डॉटर ऑफ सुबोध सिंह, और मैं इस लड़की को खोजते हुए आया हूँ। अभी तक इस श्रुति सिंह के बारे में कोई जानकारी कहीं से सोर्स से? मुझे सिर्फ ये पता चला है कि कोई एक ऐसी लड़की है, इसी एज की है, 8 से 9 वर्ष उनका उम्र है, जिसके अंदर कि उन्होंने अपना नाम श्रुति सिंह और पिताजी का नाम सुबोध सिंह बताया है, इसलिए मैं खोजते हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं आगे अपना खोजबीन जारी रखूँगा। ये रेलवे की कमजोर तकनीक है जो लापता हुए मुसाफिरों का भी पता नहीं लगा पा रही। अपनों का पता लगाने का जिम्मा भी जख्मी मुसाफिरों पर छोड़ दिया गया है। आंकड़ों के सवाल पर रेल राज्य मंत्री का जवाब भी खाना पूर्ति करने वाला था। हमारी प्राथमिकता ये है कि जिनके परिजन
नहीं मिल रहे उन्हें तत्काल पता कराया जाए। हर मौके पर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को हमने लगाया है। जो लोग घायल हैं उनको अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। संवेदनशील व्यक्ति की तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकती है, पहली प्राथमिकता ये है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु तकनीक के हिमायती हैं, लेकिन रेलवे के पास वो तकनीक कब तक आएगी जब भगवान भरोसे मुसाफिरों को नहीं छोड़ा जाएगा। कानपुर में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। इंदौर से कानपुर, कानपुर से पटना तक हादसे पे हाहाकार होता रहा। जो बच गए वो अपनी जिंदगी का जश्न नहीं मना पाए, क्योंकि उनके जिंदगी का हिस्सा उनसे दूर चला गया। यह सफर सैकड़ों परिवारों के लिए अपने अजीजों से बिछड़ जाने का सफर बन गया। जैसे खबर चली तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे स्विच ऑफ बता रहा फोन। तो ये नौ लोग S6 वाले बच गए और S1 वाले जो है। हमारे साथ 6 लोग थे, मैं, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरे भैया की लड़का लड़की और मौसा जी थे मेरे, और मौसा जी का रिलेशन का एक आदमी था, सब मिला के 6 थे। ये इस बात के बने ट्रेन डिब्बों का मलबा नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों रेल मुसाफिरों की उम्मीदों का मलबा है। इस मलबे से आपको सिसकियां सुनाई देंगी, दहाड़ और चित्कार सुनाई देगी, और सुनाई देगी उस सिस्टम पर जनता का आक्रोश जो भारतीय रेल को धर्रे पर चलाता जा रहा है। इस नौजवान को अस्पताल के बिस्तर पर यूं कराहते हुए देखकर आपका दिल ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर हिंदुस्तान की लाइफलाइन समझी जाने वाली रेलवे कब तक मौत ढोती रहेगी। ये मोनू विश्वकर्मा है, जिनकी जिंदगी रविवार सुबह 3 बजे के करीब यूं बदली कि अब ट्रेन में चढ़ने से पहले ये हजार बार सोचेंगे। हमारे साथ 6 लोग थे, मैं, मेरा भैया, मेरी भाभी, मेरे भैया की लड़का लड़की और मौसा जी थे मेरे, और मौसा जी का रिलेशन का एक आदमी था, सब मिला के 6 थे। उसमें से मैं बचा, मेरे भैया की लड़की और मौसा जी का रिलेशन का वो, और बाकी उसमें सबका डेथ हो गया। अभी तक मौसा जी का कुछ पता नहीं है, भैया बाबू के तक बॉडी मिला है, किधर है वो लोग कुछ मालूम नहीं है। तीन लोगों की डेथ हो गया, 3 लोग। ये इस बच्ची का कोई मम्मी पापा थे ना, मेरा भैया, मेरी भांजी है वो। ये मोहम्मद मुनाजिर हैं और ये मोहम्मद बाबर। इंदौर में अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, जिंदगी मजे से पटरी पर दौड़ रही थी। पहले नोटबंदी की मार पड़ी, बोरिया बिस्तर बांधना पड़ गया। इंदौर से पटना का सफर आधा पूरा होता उससे पहले जिंदगी एक और हादसे का शिकार हो गई। हम इंदौर से आ रहे थे। अच्छा, कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ 14 लोग थे। अब कितने लोग हैं? अभी 9 लोग है, वो एक्सपोर्टेड है, उसको लाया 10, 4 गायब। अच्छा, पुलिस को पूछा था? पुलिस ने बताया? हाँ, पुलिस को पूछा था तो बोला था ढूंढो, देखो, निकाल रहा हूँ, अभी तक निकला ही नहीं, मालूम ही नहीं चल रहा है। अच्छा, किस कंपार्टमेंट में थे? एसी में थे? वो लोग 5 S1 पे थे और हम S6 में थे। हाँ, तो ये 9 लोग S6 वाले बच गए और S1 वाले जो है गायब। ऐसी कई कहानियां इंदौर, कानपुर से लेकर पटना तक सुनाई पड़ रही हैं। ट्रेन में सफर कर रहे पूरे परिवार में से कोई बचा तो कोई मौत के मुंह में चला गया। कुछ की लाश मिली तो कुछ के बारे में यह भी नहीं पता कि सांसें चल रही हैं या बंद हैं। सैकड़ों परिवार बुरी खबर का दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। एक हादसा कितनों की जिंदगी तबाह कर जाता है, इसकी बानगी देखिए। पटना से 21 लोगों का एक दल तीर्थाटन पर शिरडी और इंदौर गया था। कल इसी ट्रेन से घर वापसी थी। उस दल में पटना के इस परिवार के भी 2 सदस्य थे। इस परिवार की आप बीती आपको इनकी दिमागी हालत का एहसास करा देगी। वहाँ से शिरडी जानी थी, शिरडी महाकालेश्वर मंदिर जाना था, उसे होते हुए इनको उज्जैन से फिर इंदौर से ट्रेन पकड़नी थी। तो आखिरी बार, मतलब जैसे अगर बात करें तो कल बात हुई होगी ट्रेन से, मतलब चढ़ेंगे तो उन्होंने आपसे बात किया था क्या? हाँ। क्या बताया था?
बताएं कि बाबू ट्रेन पे चढ़ गए हैं। आ रही है? नहीं, हमको भी कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। फोन कर रही है, क्या बता रहा है? फोन स्विच ऑफ बता रहा है उनका, दोनों का। दोनों? एक नंबर पापा का लगा भी तो उसके बाद से फिर नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। ये पटना का ही एक और परिवार है। यह अशोक कुमार और राधिका देवी के घर के बच्चे हैं। दोनों शिरडी और उज्जैन में तीर्थाटन के बाद पटना लौट रहे थे। पिता सही सलामत है, लेकिन माँ की कोई खबर नहीं। थोड़ी सी तसल्ली की तो बात है, लेकिन मम्मी का कुछ पता नहीं चला। आप लोगों ने पिताजी को फोन किया, कुछ नंबर लगाया है? उधर से फोन आया था, एक व्यक्ति कहा था कि पापा ठीक है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ, मम्मी का कुछ पता नहीं चला। नहीं हुई है, थोड़ा बहुत पापा के बारे में पता चला है कि उनका तबीयत ठीक है, अभी हॉस्पिटल में है, और उसके बारे में मम्मी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। परेशानी का पल होगा आप लोगों के लिए बहुत ही है। वो तो है ही, अब आप लोग आए तो। पटना स्टेशन पर तो मंजर और डराने वाला है। यहाँ गोपाल प्रसाद अपने लापता रिश्तेदारों की खोज खबर लेने पहुंचे। परिवार के साथ लोग इसी ट्रेन से पटना आ रहे थे। काफी छानबीन के बाद पता चला कि तीन लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन बाकी का पता नहीं। हमको ये जानकारी मिली है कि तीन आदमी के बारे में कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अभी हम आए हैं यहाँ इसलिए वहाँ जाने के लिए, तो हमको ये पता चला कि अभी जो भी ट्रेन आएगी उससे आपको भेजा जाएगा वहाँ। ये लोग कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे थे? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर, हाँ, वहाँ से आ रहे हैं। ये भारतीय रेलवे है, सुरक्षा और संरक्षा का ताल पीटने वाला भारतीय रेलवे। बाबा आदम जमाने की तकनीक पर दौड़ रही है हमारी रेलवे, और सपना बुलेट ट्रेन का दिखाया जा रहा है। कानपुर में कुमार अभिषेक और बालकृष्ण के साथ, पटना में सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, आज तक। इस हादसे में पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीम ने जबरदस्त रेस्क्यू किया, लेकिन शाबाशी के हकदार तो वो स्थानीय लोग रहे जिन्होंने ठंड की परवाह किए बगैर अपना सारा कामकाज छोड़कर लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की, घंटों जुटे रहे। यह हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बच्ची के चेहरे पर जख्म के निशानों से लगाई। ये बच्ची बच गई, लेकिन जख्म की टीस ठंडी नहीं हो पा रही। इसे नहीं पता हादसा क्या होता है, लेकिन ये बदहवास रोए जा रही है। ना कुछ खा पा रही है, ना पी पा रही है। पिता के लिए इसकी चीख रोक पाना मुश्किल हो रहा है। हादसे का कोई और छोर नहीं होता। हादसा गुजर जाता है, लेकिन जिंदगी गुजरने के काबिल नहीं रह जाती। जरा इनका दर्द देखिए। ये शिव पूजन है, मध्य प्रदेश पुलिस में मुलाजिम है। इंदौर से बनारस जा रहे थे, बनारस से गाजीपुर जाना था। सफर में परिवार साथ था, लेकिन अब जिंदगी बिना जीवन संगनी के रह गई है। मेरे भाई की बच्ची की शादी थी, मैं अपने परिवार के साथ में शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर से बनारस जा रहा था, बनारस से अपने घर गाजीपुर जाता। मेरे साथ में मेरी पत्नी थी शांति देवी, मेरे भाई की औरत थी निर्मला, एक बच्ची है पूजा। इसमें हादसे में हम और निर्मला और बाबी तो घायल हुए हैं, मेरी पत्नी शांत हो गई। तमाम कहानियां हैं, कहीं माँ ने बेटा खोया, पिता ने बेटियां खोई, भाई ने भाई खोया, परिवार ने अपना मुखिया खोया। मौत चाहे किसी की हो, बेहद दर्दनाक होती है, और यहाँ तो मौत ही मौत है। एक नंबर से 12 नंबर तक सब छिटके हुए थे, और कुछ जनरल में। कहाँ के लोग थे ये लोग? ये बहराइच के लोग थे। और ये आप लोगों का क्या तीर्थ यात्रा थी? तीर्थ यात्रा थी। कितने लोग निकले थे तीर्थ यात्रा पे? करीब 44-45 लोग थे। हादसे का शिकार मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का एक जवान भी हुआ। लखनऊ के मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात असलम 7 दिनों की छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने वापस जा रहा था। टिकट तो कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन ऊपर वाले ने मौत कंफर्म कर दी। 1.5 साल पहले आर्मी ज्वाइन करने वाले असलम के घर वाले अब बेहाल हैं। सच पूछिए तो इस पूरे हादसे के दौरान तारीफ के काबिल वो लोग रहे जो ठंड की परवाह किए बगैर जी जान से रेस्क्यू में घंटों लगे रहे कि इस मौसम में हादसे की खबर मिलते ही वो फौरन मौके पर पहुंचे।
इंसानियत की जबरदस्त मिसाल दिखाई, लोगों को बोगियों से बाहर निकाला, उन्हें खाना पीना मुहैया कराया। देखिए जब सुबह करीब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 4:15 बजे, तो उस समय जो यहाँ स्थिति थी तो मतलब चीख पुकार के अलावा कोई आलम नहीं था। उस समय कोहरा टाइप का बहुत गिर रहा था और लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सलाम के काबिल वो जवान भी हैं जिन्होंने आव देखा ना ताव, मुसाफिरों की जिंदगी बचाने में घंटों लगे रहे। इस जवान ने दाद देने वाले अंदाज में फर्ज निभाया, अपने दम पर 5 मुसाफिरों को मौत के मुंह से बचाया। जब मैं भीतर गया तो वहाँ पे कई लोग दबे हुए थे जो जिंदा थे, और कई लोग डेड बॉडी थे आसपास पड़ी हुई थी, जहाँ पैर रख रहे थे वहाँ भी लोग मरे हुए थे, लेकिन जिंदा बचाने के लिए जो लोग जिंदा थे उनको बचाने के लिए हमें अंदर घुसना पड़ा। जबकि घुसते हुए खुद अपने आप में इतना मतलब दुख हो रहा था कि पैर रख रख के अंदर जाना पड़ा था, लेकिन जो ज्यादा दबे हुए थे जो जिंदा लोग थे उन्हें निकालने के लिए हमने खींच खींच के उन लोगों को निकाला। 5 आदमी कुल मिला के थे जिन्हें मैंने बाहर निकाला है। सुबह 5 बजे से वहाँ पे लगे हुए थे हम लोग। हर हादसा सबक देकर जाता है, सवाल तो बस यही है कि एक और हादसे से हमारा सिस्टम कोई सबक लेगा या नहीं। कानपुर में बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, 115 लोग मारे गए। अब सवाल यह है कि भारत में रेल हादसे आखिर रुकते क्यों नहीं, क्यों बार बार हमारे देश में रेल हादसे होते हैं? आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी ट्रेनें क्षमता से 15 गुना ज्यादा मुसाफिर ढोने पर मजबूर हैं, ज्यादा यात्रियों का बोझ रेलवे ट्रैक पर पड़ता है और वो जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भारत में ज्यादातर ट्रेनों में फायर फाइटर सिस्टम नहीं है, यानी आग लग जाए तो बचाव का कोई इंतजाम नहीं। फायर फाइटिंग सिस्टम है भी तो सिर्फ AC कोच में। कई देशों में आग लगने पर ट्रेन के खुद ब खुद रुक जाने की तकनीक है, लेकिन भारत में ऐसी तकनीक नहीं है। भारत में 21 में से 18 रेल हादसे मानवीय गलतियों की वजह से होते हैं। रेलवे के 50,000 में से 15,000 क्रॉसिंग अनमैंड यानी कि मानव रहित हैं। इन क्रॉसिंग्स पर लोगों को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए आज तक।